बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मुमिनीन इकराम, टैक्सला के इलाके में ज़िक्र हुसैन को रोकने के लिए, मजलिस अज़ा को रोकने के लिए दौरान मजलिस मजलिस अज़ा पर फायरिंग कर दी गई। करबला वालों के सदक़े में, मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में कोई जानी नुकसान की कोई खबर नहीं है। हुआ क्या, ज़रा क्लिप देखी। उतनी जख्मी थी, मोमिनीन कराम आपने देखा कि जाकिर साहब मजलिस पढ़ रहे थे कि एक दम से एक तरफ से गालियों की आवाज़ें आनी शुरू हो गई और फिर एक फायर हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह जाकिर साहब महफूज हैं। ये मजलिसे अज़ा को रोकना, असल क्यों रोकना है, कोई वजह तो होनी चाहिए कि क्या वजह है। 1400 साल से कोशिश हो रही है कभी मसलों के ज़रिए से, जी फला मसला है, जिंदा को नहीं रोना चाहिए, मातम हराम है, फला करके बार कैफ, वजह क्या है। यजीद बच जाए, यानी हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल पर मट्टी डल जाए, यजीद पर लानत ना पड़े, यजीद कातल साबित ना हो। क्योंकि जब यजीद पर बात आएगी तो फिर बात बढ़ जाएगी। उस बढ़ जाने को रोकने के लिए, और उसमें रुकावट है सबसे बड़ी, ये मजालिस, ये अज़ादारी, ये आहो बका मजलूम की, जिसे अल्लाह ने बचाने का इंतज़ाम, अल्लाह ने इंतज़ाम किया हुआ है इस अज़ादारी को कायम रखने का। और इन शियाने हैदर करार ये कौम अल्लाह ने पैदा की है, अब इनको ख़त्म करने के लिए कोशिश की जाती है, हर दौर में कोशिश की गई लेकिन इसके बावजूद नहीं हो सका। अब ये मामला है अल्लाह का और शैतान का, यानी अल्लाह के नुमाइंदे हैं हुसैन अलैहिस्सलाम, रहमान के नुमाइंदे हैं हुसैन अलैहिस्सलाम, और शैतान का नुमाइंदा है यजीद। और अल्लाह ने हक और बातिल को क़यामत तक फ़र्क के लिए, मकतूल और कातल के फ़र्क के लिए अल्लाह ने इस